आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास ये चार अलग अलग व्यास की केश नलिकाएं हैं। पहली जो व्यास नलिका है इसका व्यास बहुत कम है, उससे अधिक व्यास की, और तीसरी और चौथी, यानी ABCD चार केश नलिकाएं हमारे पास। और इन चारों केश नलिकाओं में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि यदि इनको किसी द्रव के अंदर, यानी कोई ये द्रव है, इस द्रव के अंदर डुबोया जाता है तो जो द्रव केश नलिका में ऊपर चढ़ता है उसकी स्थिति क्या होगी। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि केश नलिका का व्यास कम करने पर द्रव की जो हाइट है वो बढ़ेगी या घटेगी, किस आधार पर बढ़ेगी या घटेगी, व्यास बढ़ाने पर क्या होगा। आज की बात इसी बात पर। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस नियम से लागू होता है, तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि माना ये केश नलिकाएं हैं और इन केश नलिकाओं को हमने उठाकर इस द्रव के अंदर इस तरह से एक के बाद एक इस तरह से यहां पर डुबो के रख दिया है। तो डुबो के रखने पर क्या स्थिति निर्मित होगी और क्या द्रव का स्तर कहां तक होगा, इसको हम समझ रहे हैं। ये जो चारों केश नलिकाएं हैं, हमने इस द्रव के अंदर इसको डुबो दिया है, तो द्रव के अंदर डुबोने पर क्या स्थिति निर्मित होगी या द्रव का स्तर जो है वो कहां तक जाएगा, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने जो देखा उसकी बात करते हैं। जो ए हमारी नली है, इसमें द्रव का जो हाइट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, यानी यहां तक द्रव इसमें चढ़ जाएगा। बी वाली जिसका व्यास थोड़ा कम है तो इसकी हाइट थोड़ी सी द्रव के अंदर कम होगी, सी वाली में और कम होगा, ये सी हमारी, और लास्ट जो डी वाली है, इस डी में हमारा द्रव का जो हाइट चढ़ेगी वो बहुत कम हो चढ़ेगी। इसको समझाने के लिए मिस्टर जूरीन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी केश नलिका के अंदर जो द्रव चढ़ता है वो उसका जो व्यास होता है, नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात H इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। इस नियम से केश नलिका में द्रव चढ़ता है। यदि R आपका कम है तो H ज्यादा होगा, जो पहले केस में हुआ हमारा। यदि R बढ़ता जाएगा तो H कम होता जाएगा। क्रमशः देखो B, C और D में जो ये H है, ये वाली हाइट, ये हाइट, ये वाली हाइट, ये हाइट और ये हाइट, हमारी H धीरे धीरे क्या हुई, कम हुई। और एच कम हुई क्यों हुई, क्योंकि आर इंक्रीज हुआ। तो हमारे प्रश्न में हम ये जवाब दे सकते हैं कि नली का व्यास अर्थात त्रिज्या आर कम होने पर एच बढ़ेगा और आर बढ़ने पर एच कम होगा। वीडियो आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।